अरे मोदी जी, इंडिया गेट चलोगे? इंडिया गेट चलोगे अपना ऑटो लेके? और भाड़ा क्या लोगे? भाड़ा भी बताओ अपना। अरे राहुल, ये ऑटो हमने कोई देखने के लिए थोड़ी लिया है, भाड़े पे चलाने के लिए लिया है। जरूर छोड़ देंगे तुम्हें इंडिया गेट। 50 रुपए लूंगा तुम्हें इंडिया गेट छोड़ने के। ऐसा है मोदी जी, 30 रुपए ले लेना, जल्दी चलो और जल्दी छोड़ दो, मुझे बहुत काम है, लौट के घर भी आना है जल्दी वापस। चलो राहुल, ना तुम्हारे ना मेरे 80 रुपए में चलो, जल्दी चलो, बैठो जल्दी। हाँ मोदी जी, 80 रुपए बिल्कुल ठीक है, जल्दी चलो, जल्दी चलो, अपने ऑटो को जल्दी स्टार्ट करो। लेकिन राहुल, मैंने स्टार्ट भी कर दिया और गियर भी डाल दिया और अपने ऑटो की फुल एक्सीलेटर भी कर दी, लेकिन ये बढ़ क्यों नहीं रहा? क्या बात है, ये वहीं का वहीं जाम है। अखिलेश, और जोर से खींच, और जोर से खींच पीछे को ऑटो को, और जोर से खींच। बहुत ताकत है मोदी जी के ऑटो में, और मोदी जी जैसी देखने के लिए उतर के आए ऑटो से कि ऑटो बढ़ क्यों नहीं रहा है आगे, तुरंत भाग जाना, छिप जाना, पीछे को खींच। वैसे योगी जी, आज मोदी जी भी चक्कर में पड़ जाएंगे, आखिर ऑटो में हो क्या गया, ऑटो आगे बढ़ क्यों नहीं रहा, लेकिन उन्हें क्या पता अपना पीछे खींच रहे हैं। वैसे राहुल, आज तक ऐसा नहीं हुआ है मेरे ऑटो के साथ। अरे सारे गियर डाल दिए, एक्सीलेटर भी फुल है, लेकिन ऑटो आगे बढ़ ही नहीं रहा है। राहुल उतर के देखना जरा, क्या बात है? अरे मोदी जी, मैं उतर के क्यों देखूं? मैं तो एक बार ऑटो में बैठ गया तो बैठ गया, अब अपनी मंजिल पे उतरूंगा जाके, इंडिया गेट। तुम उतर के देखो तुम्हारी ऑटो में क्या बात है, बेकार खटारा ऑटो लिए फिरते हो। चलो ठीक है, मैं ही पीछे उतर के देखता हूँ आखिर ये बढ़ क्यों नहीं रहा है। अरे भागो अखिलेश, भागो, जल्दी जल्दी भागो, मोदी जी आ रहे हैं, उतर के आ रहे हैं पीछे देखने के लिए, जल्दी भागो, जल्दी भागो। अरे अब भागो भागो कर रहे हो, इतनी देर से उनका ऑटो पीछे को रोके पड़े हो। ऐसा करो, पीछे को छुप जाओ, पीछे को छुप जाओ, आ रहे हैं मोदी जी। अरे पीछे तो कोई नहीं है, कोई भी नहीं है यहाँ तो। अरे दोबारा स्टार्ट करके देखता हूँ अब फिर से। आ जाओ अखिलेश, आ जाओ, फिर से आ जाओ, फिर से आ जाओ, फिर से ऑटो रोकते हैं, मोदी जी फिर से स्टार्ट कर रहे हैं अपने ऑटो को। आज मुझे इस राहुल को किसी हाल में भी इंडिया गेट देखने नहीं जाने देना, चाहे कुछ भी हो जाए। आ जाओ अखिलेश। अरे राहुल, ये तो फिर से नहीं बढ़ना है, क्या बात है? आज ऑटो में हो क्या क्या? आज मैं तुम्हें नहीं ले जा पाऊंगा, उतर जाओ तुम। आज मैं पहले इस ऑटो को किसी मिस्त्री को दिखाऊंगा, फिर तुम्हें ले जाऊंगा कलूल को। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे सिद्धू जी, मुझे आपकी ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। कल से आपने हमें दावत में बुला रखा है, कल आपने मक्की की रोटी और सरसों का साग खिलाने का वादा किया था, सरसों का साग थोड़ा सा बनाया भी वो अकेले ही खा गए, हमें पूरा रात भूखा रखा। ऐसा कोई किसी के साथ करता है? अरे मोदी जी, असल में मैंने सरसों का साग पकाया तो बहुत था, लेकिन मेरा अंदाजा गलत हो गया, पकने के बाद सरसों का साग थोड़ा सा रह गया। और मेरी एक बात की खासियत है, मैं पहले खुद खाता हूँ फिर मेहमानों को खिलाता हूँ, वो सरसों का साग इतना था कि मैं अकेले ही खा पाया, तुम लोगों के लिए बचा ही नहीं। लेकिन अब तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? अब मैं तुम्हारे लिए मूंग की दाल की खिचड़ी बना रहा हूँ अपने हाथों से। अरे भाई सिद्धू जी, हमारा कोई पेट वेट खराब है जो तुम मूंग की दाल की खिचड़ी पका रहे हो? अरे कल रात से तुमने बुला के हमें भूखा सुला दिया यहाँ पर खेत पर, कोई अच्छी सी चीज पकाओ, नहीं तो हम जा रहे हैं वापस ऐसी भूखे पेट। अरे ओबैसी जी, तुम अपनी टांग मत अड़ाओ कि अच्छी चीज पका लो, अच्छी चीज पका लो। अरे ये जो भी पका के खिला दे वो खा लो। कल इन्होंने सरसों का साग जरा सा पकाया, अकेले ही खा गए, इसीलिए अपना रात के भूखे हैं, ये खिचड़ी पकाने दो, खिचड़ी खा लेंगे बस, पेट तो भरे कैसी करके। लेकिन भाई सिद्धू जी, एक बात बताओ, तुमने हमें कल दावत पे बुलाया था, रात खाना भी नहीं खिलाया, ऊपर से खेत पे क्यों सुलाया? तुम आराम से घर जाके लेट गए और हमें यहाँ पर खेत पे सुलाया, अब खिचड़ी भी बर्तन लाके यहीं पे बना रहे हो खेत पे। मोदी जी, तुम्हारे बहकावे में मैं यहाँ पर आ गया सिद्धू जी के यहाँ दावत पर, तुमने कहा सिद्धू जी बहुत बढ़िया खाना खिलाएंगे, ये खाना इनका, मैं तो कभी नहीं आता। अरे अखिलेश, कैसी बचकानी बात करती हो, वो तो मैंने तुम्हारे फायदे के लिए तुम्हें अपने घर नहीं सुलाया, मेरे घर पे ठंड बहुत लगती है, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ खेत पर सुला दिया। और थोड़ी देर का सब्र करो, मूंग की दाल की खिचड़ी तैयार होने वाली है, खा के जाना आराम से, मेरी मेहमान नवाजी में तुम्हें कोई कमी दिख रही है? यहाँ पर देखो, खेत पर बर्तन लाके तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार कर रहा हूँ। अरे भाई सिद्धू जी, तुम्हारे घर से ज्यादा ठंड तो यहाँ पर लगी पूरी रात भर, वो तो बराबर वाले खेत पर एक आदमी सो रहा था, चुपके से मैं उसका कंबल उतार लाया, सुबह से बोई ओढ़े पड़ा हूँ। और मोदी जी, एक चीज पे गौर किया तुमने? इस बार भी ये छोटी सी हांडी में खिचड़ी बना रहे हैं, ये अकेले इन्हीं के लाख हो पाएगी, इसीलिए वक्त रहते निकल लो यहाँ से, पकाने के बाद ये सिद्धू जी अकेले ही खा जाएंगे। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।